भाई। सारा बोलो ना, सारा बोलो। यार सारा इकट्ठा बोलो ना। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, आप सब खैरियत से होंगे। एक मिनट। तो यार गाइस आज हम जा रहे हैं डीएचए, जहाँ पर बहुत ज्यादा रश होगा, हम फंस भी सकते हैं। ओहो, हम फंस भी सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं डीएचए, वहाँ पे आ रही है निमरा। और निमरा निमरा कौन है? निमरा है यार, निमरा भी कोई है। मेरी बचपन की दोस्त यार। एक मिनट ठहरो, ये पकड़ो, बचपन की दोस्त है इसकी। चाचू से पूछते हैं निमरा कौन है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। कैमरे में नहीं आ रहे, नो कमेंट्स। वो कह रहे हैं नो कमेंट। मामू को ले लो। हाँ जी जी, कौन आ रहा है? निमरा कौन है? प्राइज हम कर रहे हैं। निमरा मेहरा सिंगर आ रही है। अरे वो माही माइया वे और यार आसिम अजहर भी आ रहा है। वो बल्कि हमारे से पहले पहुंचे हुए, हमारे इंतजार कर रहे हैं। उनकी 2-3 कॉलें आ गई, मुझे वो कह रहे हैं कहाँ रह गए रेहान भाई। अच्छा, आपके इंतजार में। हाँ जी, अभी तक उन्होंने कॉन्सर्ट शुरू नहीं किया मेरी वजह से। शाहरुख खान बन गए, देख लो फिर आप। चल रहे हैं, चलो अपने गाइस को तो बता दो यार। एक मिनट ठहरो, अफसान भाई बताएंगे सही तरह। भाईजान हम लोग जा रहे हैं डीएचए, वहाँ पे है आजादी फेस्टिवल। 14 अगस्त का लोग जो है आज हम मनाने जा रहे हैं। आज लेकिन आज तो 13 अगस्त है। देखो 13 अगस्त 9:10 हो गए हैं और अभी 12 बजने में 3 घंटे पड़े हैं। यार बाजा बनने की आवाज आने लग गई है भाई। बाजू के ऊपर पाबंदी है, बाजा बजाएगा उसको पुलिस उठा के ले जाएगी। लाहौर में 2-3 छापे भी पड़े। अच्छा, आजादी फेस्टिवल है डीएचए में। और यार एक मिनट, आतिशबाजी भी होगी वहाँ पे, सब कुछ बड़ा सिंगर भी आया हुआ है। माहौल होगा वहाँ पे। चलो जी, चलते हैं सीधा फिर। कट कर दो भाई। पहुँच चुके हो? हैं, कहाँ पहुँचे हो? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अच्छा, 10 बज चुके हैं, अभी तक सिंगर वगैरह कोई नहीं आया। तो आगे देखते हैं। मेरे हिसाब से तो 12 बजे तक शुरू होगा। 12 बजे तक शुरू होगा। होगी बच्चे। कैसा लग रहा है आपको? हेलो जी भाई, कैसा लग रहा है आपको? अभी तो देख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लगेगा ही। यार आप यहाँ पे किसका वेट कर रहे हो? कौन सा सिंगर का वेट कर रहे हो? आसिम अजहर या निमरा मेहरा? वेट कर रहा हूँ, निमरा मेहरा का भी कर रहा हूँ। जो गाने हैं ना, कमाल कर रहे हैं। बाकी आप परफॉर्मेंस चेक करो। वो देखो जी, डांस हो रहा है वहाँ पे फुल टाइम। अभी हम जरा जा सकते हैं यार, करीब नहीं जा सकते हम। करीब के लिए भजन VIP पास लेने पड़ते हैं। VIP आपको आगे बताते हैं। नहीं, VIP नहीं लेने पड़ते यार, सेम ही होते हैं। लेकिन ना वो था रश था, उस टाइम पे हाउसफुल हो गया था। हां उधर हाउसफुल है, देखो तो सही। वो जाने नहीं दे रहे। जरा दिखाओ तो सही आप। वो देखो, वो हाउसफुल है, इधर से भी फुल है, आगे से भी फुल है। वो देखो माइया भी आ गया। हाँ जी आ गया। और सारे देखो इस तरबाल के लिए खड़े हो। ये देखो क्या बात। थैंक यू भाई स्टेज के। तो नेबर ना कहो, अल्लाह के बंदे बिग सेलिब्रिटी हैं। बिग सेलिब्रिटी ये आसिम अजहर से मिलवा सकते हैं हमें? मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ना एक कैमरा, फ्लैश लाइट बंद करो पहले आप। यार ये चलते चलते नहीं होगी, बोलो आप। अच्छा मैं यही कह रहा हूँ, हमारे पास एक ट्रिक है, वो जो ब्लैक एमजी खड़ी है ना, जूम करके मेरा दिखाई। हाँ जी, इसके अंदर बैठी है निम्रा मेहरा। अच्छा, और हमने उससे मुलाकात करनी है। अच्छा, इस लोग में अगर मुलाकात हो जाए तो वेल एंड गुड है, ना हो सकी तो आसिम अजहर से कर लेंगे भाई। आसिम अजहर को जानते हैं? आसिम भाई, आसिम अजहर कॉल कर रहे हैं इनको, कॉल तो उठा लो उसकी। मैनेजमेंट को देखना, मसला तो ये है सारा। अच्छा अब वो एमजी स्टार्ट हो चुकी है तो अभी मेरे ख्याल से यहीं पे आएगी, तो हम अपना टास्क जो है ना कंटिन्यू रख। चली गई यार, वो जा रही है हमारे सामने, पकड़े। चल आसिम आ गया, वो आसिम आ गया। ये भी चले गए यार, क्या कर रहे हो आप? आपने सारों को जाने दिया। देखो वो जा रहे हैं हमारी आंखों के सामने से। यहाँ से गए, ये गाड़ी थी उनकी, यहाँ से निकले और ये निकल गए सीधे। चेक करो स्कैम कितना बड़ा हुआ है यार। उनके वो जो क्या कहते हैं बाउंसर, इतने तगड़े होते हैं, तगड़े डर इतना लग रहा है एक मुक्का मारेंगे वो उड़ता हुआ बंदा जाएगा। देर हो गई है, यहाँ पे खड़े हुए हैं स्टेज की बैक साइड में, ताकि बाहर आए आसिम भाई और इनसे मुलाकात कर सके। ये देखें अभी स्टेज पे अभी तक खड़े हैं और ये सारी आवाम यहाँ पे, क्या बात है। लेकिन देखते हैं गाड़ी खड़ी है आपकी। ये आसिम भाई जैसे अभी उतरे हैं ना, कदी जैसे बोल गा रहे हैं। ये सुनो जरा, आवाज नहीं आ रही कैमरे तक। मुझे तो आ रही है, भाई को देखो जरा। हमारे नेबर्स हैं भाई ने स्पेशल आसिम को फोन किया, सिर्फ भाईजान आपने मिलके हमसे जाना है, अगर आप मिले बगैर के तो आपकी मेरी कट्टी है। क्या है कट्टी? देखना दुल्ला भाई, कट्टी कट्टी है, ठीक है ना। बस अभी ऐसे उतरेंगे और ये गाड़ी का दरवाजा खुलेगा, बल्कि मैं आपको खोल दूंगा। ये देखो क्या बात है, ऐसे हमने उनके लिए दरवाजा खोलना है और हमने उनको फुल प्रोटोकॉल देना है, ट्रीटमेंट देना है। अभी हमें ड्राइवर अंकल ने कहा है कि आप यहाँ पे वेट करो, वो सामने उनकी गाड़ी खड़ी है, वो कह रहे हैं वहाँ से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आसिम सर को आप आने दें, मैं ये देखना उनको बताऊंगा कि हमने आपका कॉन्सर्ट तक एंजॉय नहीं किया, सिर्फ आपका वेट किया। इन्होंने आगे खड़े हो जाना, दोनों ने आगे खड़े हो जाना, गाड़ी आने वाली है, लगता है आने वाली है, वो निकल गई है। उसने कहा आप यहाँ ना खड़े हो क्योंकि यहाँ पे रश ज्यादा होगा, तो आप आगे खड़े हो जाए। यार अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आसिम सर से कोशिश नहीं भाईजान, ड्राइवर से पक्की बात होगी, उससे सलाम दो होगी, तो भाई ड्राइवर से नंबर शंबर ले लिया, जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तो वो कैसे रोकेंगे हम, और आगे चलते हैं। ओ भाई इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इधर से गाड़ी जाएगी, इधर आ जाओ, इधर रोकेगा वो, इस तरफ बैठा हुआ है। यार रोक ले यार प्लीज सर, रोक लेंगे, खुद ही रोक देंगे ना करो, शायद रोक ले। टाइम बहुत कम है सर, बिग फैन जी। हमने भाई थैंक यू सर, ओ भाई दिखाओ आ गई भाईजान, चेक करो यार, फाइनली टास्क पूरा हो गया भाईजान। चैलेंज जो आप करते हो ना वो इंशाल्लाह कंप्लीट होता है आपका। फाइनली मिल चुके हैं।